हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारे गेम के अंदर आरजीएस टूल के अंदर आ चुका है अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, क्योंकि इस गेम में इससे अच्छा अपडेट आज तक मैंने अपने कभी लाइफ में नहीं देखा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि न्यू अपडेट की हेल्प से मैंने यहाँ पर कितने सारे पेड़ लगा दिए हैं और बाहर का तो पूरा माहौल चेंज हो गया भाई, इतने सारे बिल्डिंग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने किस तरह अपनी सिटी को पूरी तरह से रिक्रिएट कर लिया है। और अगर आप लोग भी मेरी तरह अपनी सिटी को न्यू लुक देना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रूम बनाने का ट्राई किया था लेकिन भाई मेरे से बन नहीं सका, लेकिन जितना भी बना अच्छा बना। तो चलो गाइस, नाइट मोड करके देखते हैं कि इस सिटी का लुक कैसा आता है। तो भाई देख सकते हो कि हर जगह लाइटें चमचमा रही हैं। और सेम टू सेम मैंने रिवर के साइड भी एक छोटी सी सिटी बनाने का ट्राई किया था। और अगर आप भी हमारी तरह आरजीएस टूल की हेल्प से ऐसी सिटी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद क्या मैं बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी। तो चलो गाइस, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। तो आप लोगों को ऐसे ही किसी लोकेशन पे आ जाना है और मोबाइल फोन के अंदर आरजीएस टूल को ओपन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डायल करना है B1 यानी कि बिल्डिंग, और ओके करते ही हमारा बिल्डिंग स्पॉन हो जाएगा जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और अगर आपको बिल्डिंग के इस ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव करना है यानी कि आपको सही नहीं लग रहा है तो आपको आरजीएस टूल पे वापस आ जाना है और आपको डायल करना है MDON। और ऑन करने के बाद अपने करेक्टर को थोड़ा वेट करवाना है और फिर आगे बढ़कर इधर से उधर मूव कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और आरजीएस टूल पर वापस आ जाना है। और आपको टाइप करना है MDOFF और ऑन करते ही हमारा बिल्डिंग उस जगह पर रुक जाएगा। और ऐसे ही करके आपको B1 से लेकर B10 तक काफी सारी बिल्डिंग्स मिल जाएगी, जैसा कि मैं टाइप करके B2 को दिखा देता हूँ। और ऐसे ही करके B1 से लेकर B10 तक कोई भी कोड डायल करके आप लोग बिल्डिंग्स को स्पॉन कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट आपको हाउस स्पॉन करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको आरजीएस टूल पे H1 डायल करना पड़ेगा और आपके सामने हाउस आ जाएगा। एंड गाइस, इसके साथ भी सेम लफड़ा है, आप H1 से H10 तक कोई भी कोड डायल करके आप कोई भी हाउस स्पॉन करा सकते हो, जैसा कि मैं H3 डायल करता हूँ और हमारा हाउस आ जाता है। और अगर आपको इसको मूव करवाना है तो आपको MDON डायल करके इधर से उधर मूव करवा सकते हो। और अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ रैंप का, तो इसका कोड है R1 और डायल करते ही हमारा रैंप आ जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। और आप इसको MDON कोड डायल करके इधर से उधर मूव करा सकते। लेकिन वेट गाइस, ये देखो रैंप वर्सेस कार हो रहा है, भाई ऐसा कभी देखा है क्या। लेकिन मैं वापस इसके पुरानी जगह पर इसको रोक देता हूँ, बाकी अभी तक एक ही रैंप गेम के अंदर एड किया गया है। और अब बात करते हैं पोल्स के बारे में, तो आपको सिंपली आरजीएस टूल के अंदर जाकर P1 डायल करना है तो हमारा पोल आ जाता है। और सिंपली P2 डायल करेंगे तो ये क्या भाई, शायद जो पुलिस वाले यूज करते हैं ये वही है। बाकी P3 डायल करते ही पता नहीं क्या ये ब्रेकर टाइप आ जाता है। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करो यार। और अगर P4 डायल करते हैं तो ये आ जाता है भाई, इस पे शायद ट्री वगैरह लगता है, वही है। और अगर P5 डायल करें तो डस्टबिन आ जाता है। और P6 से आता है हमारा साइन बोर्ड। और ऐसे ही इसको यूज करके आप लोग एक बहुत ही अच्छा मिशन बना सकते हो। P7 से थोड़ा महंगा वाला डस्टबिन आ जाता है और वहीं पर P8 से हमारा सरकारी वाला डस्टबिन आ जाता है। और वहीं पर P9 से हमारा छोटा फ्यूज बॉक्स आता है और वहीं पर P10 से हमारा बड़ा फ्यूज बॉक्स आता है। बाकी आप लोग P1 से P10 तक इतने सारे ऑब्जेक्ट को स्पॉन कर सकते हो। और अब बारी है ट्री स्पॉन करने की, जिससे पूरे गेम को ऑक्सीजन मिलता है। तो आपको आरजीएस टूल के अंदर डायल करना है T1 तो हमारा छोटा पेड़ यानी कि ट्री स्पॉन हो जाएगा। और अब डायल करते हैं T2 और हमारा एक उससे भी अच्छा ट्री स्पॉन हो जाएगा। और ऐसे ही करके T1 से लेकर T6 तक स्पॉन कर सकते हो, जैसा कि T4 से हमारा इतना बड़ा ट्री स्पॉन हो गया। और नए नए पेड़ देखने के बाद अब चलो मैं आपको बता देता हूँ वॉल, जिससे आप लोग अपना घर बना सकते हो। और आपको सबसे पहले डायल करना है W1 और हमारा एक वॉल आ जाएगा। और वहीं पर आपको दूसरा वॉल लाने के लिए डायल करना पड़ेगा W2। और आप लोग दोनों वॉल को कंपेयर कर सकते हो, ये अंबुजा सीमेंट वाला वॉल है और ये रोहित भैया का। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत।
और आप कुछ इस तरह से वॉल लगाकर अपना एक रूम बना सकते हो। बस थोड़ा 19-20 का फर्क है, बाकी रूम तो लग ही रहा है। एंड आई थिंक अभी तक मैंने सारी चीजों को कवर कर लिया होगा। अरे हाँ भाई, अभी तो कंटेनर बचा हुआ है। गजब याद आ गया भाई, तो चलो उसका भी बता देता हूँ। तो RGS टूल के अंदर आपको C1 टाइप करना है, तो आ चुका है हमारा ये वाला कंटेनर। और वहीं पर अगर आप C2 डायल करोगे तो आ जाएगा हमारा दूसरा कंटेनर। और ऐसे ही आप लोग C1 से लेकर C5 तक न्यू कंटेनर को स्पॉन कर सकते हो। बाकी हमारे सिटी का ऊपर से कुछ इस तरह से नजारा दिख रहा है। बाकी जब आप लोग अपनी सिटी को अच्छे से रेडी कर लोगे तो आपको इस सिटी को करना पड़ेगा सेव, वरना इतनी मेहनत करने के बाद जब आप लोग गेम में वापस आओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डाटा सेव कैसे करना है चलो बता देता हूँ। तो आपको RGS टूल में आ जाना है और टाइप करना है सेव डाटा, और हमारा ये वाला सिटी वापस से सेव हो जाएगा। और जब हम लोग गेम के अंदर वापस आएंगे तो चलो देखते हैं। तो जल्दी से मैं गेम को वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ। बाकी गेम में हम लोग वापस आने के बाद देख सकते हो कि जैसी सिटी हम लोगों ने स्पॉन की थी सेम टू सेम अभी भी वैसी की वैसी है। बाकी बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ये वाली वीडियो अपलोड की थी जिसे तुम लोगों ने बिल्कुल भी अपना प्यार नहीं दिखाया है, तो 100% गारंटी देता हूँ जाकर देखो, काफी ज्यादा मजा आएगा। बाय।